Hi guys, welcome to The Natural Angle. And before I start with this vlog, I would like to make a request ki before going out for any photo walk, just double triple check your equipments once. इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि सो गाइस दिस इज द अदर साइड ऑफ झंझरोला, मतलब हर्षल है एंड शिवम है, काफ़ी दूर पड़े हैं, एक पॉइंट पर मिले हैं. एंड यहाँ पे बहुत एक्टिविटी है. अमरीक भी अपने वीलॉग्स वगैरह में लगा, अच्छी एक्टिविटी है, वीडर्स वगैरह हैं. एज आई टोल्ड यू, यू कैन एनी टाइम प्लान फॉर हेयर. लोकेशन इसका जो है, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन सी माई अदर वीलॉग, जिसका लिंक अभी आपको ऊपर मिल रहा होगा. And if you still have any kind of doubt, you can just contact me and I'll definitely help you. One more thing guys, I'm starting off with a Bharatpur trip. I'm planning to go once in a month, from October till March. So if any of you is interested, you can connect with me on Instagram, you can send me a text or whatever mode you have. You can just let me know and we'll make plan accordingly. इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम लोग कई बार गलतियाँ कर देते हैं, लाइक आई डिड टुडे. एक्चुअली आई एम यूजिंग अ मिररलेस कैमरा, तो इसकी जो बैटरी है वो जल्दी ड्रेन होती है, स्पेशली इफ़ यू आर डूइंग अ वीडियो शूट. एंड डेट्स व्हाई आई एम कैरिंग, आई ऑलवेज कैरी टू बैटरीज, बट समहाउ आज आई फॉरगॉट टू पिक द सेकेंड बैटरी एंड द चार्जर इटसेल्फ. एंड आज हम लोग आए हैं झंझरोला अगेन, बट डिफरेंटली. हम मेन एरिया में नहीं हैं झंझरोला के, हम दूसरी वाटर बॉडी की साइड है. यहाँ पे बहुत एक्टिविटी है, बट अनफॉर्चुनेटली जो मेरी एक सिंगल बैटरी है वो ड्रेन हो चुकी है. उसका रीज़न ये है कि वी हैव गॉट सम गुड शॉट्स ऑफ स्मॉल प्रेटिनकोल. देन मेरे साथ आए हैं हर्षल, शिवम एंड अमरीक. इनको रेडनेक फाल्कन के भी अच्छे शॉट मिल गए, मुझे नहीं मिले. उसके अलावा वी गॉट सम ग्रेट इमेजेस ऑफ रूजी स्टारलिंग एंड वीडियोज एज वेल, प्लस लॉन्ग टेल श्राइक एंड अदर बर्ड्स. तो डैट्स वाई एक ये रीज़न है कि आई जस्ट हैव नो बैटरी लेफ्ट टू डू एनी काइंड ऑफ शूट. यहाँ पे मार्श एरियर घूम रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे वीडर्स हैं जो पहले वहाँ थे. वहाँ का पानी का लेवल काफ़ी कम हो गया है जो फ्रंट पे थे. अब जो पानी है वो सारा इस साइड बचा हुआ है. तो मेरे पीछे काफ़ी कॉर्मोरेंट्स वगैरह हैं, प्लस आपका ये ओपन बिल स्टोक्स हैं, देन पेंट स्टोक्स हैं यहाँ पे वेड, और ये गार्गनीज हैं, टील्स हैं, डक्स वगैरह काफ़ी बढ़ गई हैं पहले के कंपैरेटिवली. बट वही है. सो बट इट वाज अ गुड डे अभी तक तो, एंड वी गॉट आई गॉट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर.
थोड़ी अलग लग रही है। तो गाइस ये है बाजरा। एक्चुअली द रीज़न आई एम शोइंग कि ये जो बाजरा है ये पूरे फील्ड्स से ये हैं, एंड ये बाजरे को खाने में ये सारे बर्ड्स बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, लाइक बीवर्स हो गए, देन प्रीनियाज हो गई, देन आपके ये स्टार्लिंग हो गए, बैंक मैना वगैरह। तो अभी यहाँ पे इसकी कटाई चल रही है एंड इसीलिए यहाँ पे अभी ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टालिंग्स वगैरह हैं वो भरे हुए हैं। अभी ये बहुत अच्छे शॉट्स भी दे रहे हैं एंड दे आर नॉट वेरी मच केयर ऑफ ह्यूमंस, दे आर ह्यूमन फ्रेंडली एज वेल। सो गाइस विद सम लर्निंग अबाउट चेकिंग इक्विपमेंट्स व्हाइल लीविंग फ्रॉम होम फॉर फोटोग्राफी और फॉर एनी ट्रिप एंड along with that with some good clips of a small pit in goal and starlings and other birds, I guess it was all worth it finally. Haan thoda sa ki battery nahi hai, I was unable to take shots, but theek hai, it was my mistake, so let it be. Next time dekhte hain kya hota hai. So anyways, thank you everyone for watching and don't forget to subscribe to my channel. Thank you.